नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के गवर्नमेंट जॉब सभी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यूपी SSSC ने अपना एग्ज़ाम कैलेंडर जारी कर दिया है। पिछले 2 सालों से जारी नहीं किया था, बहुत सारी परीक्षाएं नहीं रुकी थी, कोई भी परीक्षा नई आयोग ने नहीं करवाई थी, तो अपना एग्ज़ाम कैलेंडर जारी कर दिया। और इसमें सबसे बड़ी बात जो इसमें है, लेखपाल परीक्षा की 7,000 से ज़्यादा पदों पर लेखपाल परीक्षा नवंबर में होना प्रस्तावित है। लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट और ऐसे कई सारी स्टेनोग्राफर, ऐसी कई सारी परीक्षाओं का इसमें जिक्र किया गया है, उल्लेख किया गया है, जो यूपी SSSC PET के बाद होंगी। उसके पहले भी कुछ परीक्षाएं होंगी, PET के जो रिजल्ट आने से पहले भी कुछ परीक्षाएं होंगी। तो आइए देख लेते हैं इनका कैलेंडर कैसा है, क्या है। तो ये इनका कैलेंडर है। सबसे पहले तो आपका देखिए लिखा है PET परीक्षा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा जो है आपका, वो आपकी 20 अगस्त को होना संभावित है। इसके बाद आपकी जो परीक्षा है वो 16 पदों पर होगी। ये आपकी है जो है 16 राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद, इसकी जो है परीक्षा है, ये भी बहुत टाइम से नहीं हो पाई है, तो इसकी परीक्षा सबसे पहले सितंबर 2021 में होगी। इसके बाद आपकी बहुप्रतीक्षित परीक्षा है जूनियर इंजीनियर की, इसका बहुत सारे लोगों को इंतज़ार है। जूनियर इंजीनियर परीक्षा, इसका अब फाइनली इसकी डेट आ गई। मैंने बताया था कि ये परीक्षा अक्टूबर में होना संभावित है, इसके पहले का जो वीडियो, लेकिन कई सारे लोगों ने नहीं माना था, उनका नहीं ऐसा नहीं होगा। तो अब देख लीजिए, मुख्य परीक्षा भी मैंने आपको बताया था, लोअर PCS मेंस की मुख्य परीक्षा मैंने कहा था अक्टूबर में होगी। तो देख लीजिए अक्टूबर में इसकी भी डेट लिखी हुई है। सम्मिलित अवर अधीन सेवा परीक्षा जो है लोअर मेंस का जो है वो आपका अक्टूबर 2021 में है। इसके बाद आपकी PET के बाद, ये यहाँ तक की जो परीक्षाएँ हैं वो सब तो PET से पहले की हैं, ठीक है, इसमें से एक तो PET वाला ही। अब यहाँ से जो 5वें नंबर शुरू है, ये आपका PET के बाद जो सबसे पहला है, वो आपका 7,882 पद हैं राजस्व लेखपाल के, उसकी परीक्षा नवंबर में होना प्रस्तावित है, ठीक है। और PET के बाद जो आपकी और एक मुख्य परीक्षा होगी वो स्वास्थ्य कार्यकर्ता व समान योग्यता वाले पदों, क्योंकि इसमें 9,212 पद हैं, ये भी आपका नवंबर में होना प्रस्तावित है, ठीक है। तो मेन आपका लेखपाल की है नवंबर में और स्वास्थ्य कार्यकर्ता की। इसके बाद सहायक सांख्यिकी अधिकारी, पुरानी परीक्षा है, ये आपकी होगी दिसंबर 2021 में। वन रक्षक एवं वन जीव रक्षक की जो परीक्षा है वो भी आपकी दिसंबर में प्रस्तावित है। सहायक बोरिंग टेक्नीशियन जनवरी में होगी। सम्मिलित अवर अभियंता जो दूसरी है 16 वाली, जूनियर इंजीनियर के दो थे ना, एक जूनियर इंजीनियर 2018, एक जूनियर इंजीनियर 2016। तो 2018 जो जूनियर इंजीनियर है वो आपका अक्टूबर में है, 2016 जो जूनियर इंजीनियर है वो आपका जनवरी 2022 में है, ठीक है। फिर प्रारंभिक अर्हता परीक्षा आपका जो है, इसके बाद लगभग 2,500 पदों के जो पद हैं, कृषि प्रावधिक सहायक गन्ना परीक्षक, इसकी परीक्षा फरवरी में। सम्मिलित तकनीकी सेवा परीक्षा जो है वो आपका फरवरी 2022 में। अब जो आपके सबसे महत्वपूर्ण है ये परीक्षा, वीडियो जो निरस्त की गई है माननीय न्यायालय के रिट याचिका के अधीन लिखा हुआ है, तो ये आपका मार्च 2022 में होना प्रस्तावित है, 1953 पद है। जो जैसा भी कोर्ट का निर्णय आता है उस हिसाब से ये परीक्षा होगी, इसलिए कोर्ट के अधीन लिखा हुआ है। प्रारंभिक पात्रता परीक्षा के उपरांत आपका कनिष्ठ सहायक आशुलिपिक व समान योग्यता वाले पदों में लगभग 2,500 पद हैं, इनकी परीक्षा आपका मार्च 2022 में होना प्रस्तावित है। इसी तरह प्रयोगशाला प्राविधिक, एक्सरे प्राविधिक व समान योग्यता वाले पदों की परीक्षा मार्च 2022 में प्रस्तावित है। तो ये दोस्तों रहा आपका कैलेंडर कुल मिलाकर UPSS का मार्च 2022 तक का। तो देखिए क्या सारी चीज़ें रहती हैं, और लेखपाल परीक्षा नवंबर में, इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए आप लोग। और आपका जो जूनियर इंजीनियर की परीक्षा इतने समय से नहीं हो पाई, PET परीक्षा सबसे पहले, तो PET के लिए तैयारी शुरू कर दीजिए दोस्तों। PET के लिए आप हमारा टेलीग्राम, तैयारी करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम पर फ्री क्विज ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप सीधे ज्वाइन कर सकते हैं उसको। वीडियो पसंद आया दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी का वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।